नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिनभर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड से दिल्ली आ रहे किसानों की पुलिस से भिड़ंत, बैरिकेड पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे भगवत मान, बोले किसानों के सब्र की परीक्षा न ले सरकार। राघव चड्ढा ने जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में दर्ज कराया केस, हत्या के प्रयास का भी आरोप। कोरोना की मुसीबत के बाद दिल्ली वालों के लिए 2021 में नया खतरा, आ सकते हैं कई और बड़े भूकंप। और हत्या का बदला लेने के लिए रची साजिश, दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली आ रहे किसानों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। आपको बता दें, ये किसान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से दिल्ली बॉर्डर्स पर कूच करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने से गुस्साए कुछ किसानों ने अपना ट्रैक्टर पुलिस बैरिकेड पर भी चढ़ा दिया। आइए देखिए क्या कुछ हुआ आंदोलन से पहले किसानों और पुलिस के बीच। नए कृषि कानून को लेकर किसान लगातार 31 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और इसी दौरान किसान और पुलिस के बीच उधम सिंह नगर जिले में भिड़ंत हो गई। दरअसल यहां आंदोलनकारी किसानों को पुलिस दिल्ली जाने से रोक रही थी, तभी किसानों ने बैरिकेड के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ का सामना पुलिस कर रही है। कुछ प्रदर्शनकारी हरे रंग की एक ट्रैक्टर से बैरिकेड पर धावा बोलते हैं और उसे गिरा देते हैं और पुलिस को मजबूरन इस ट्रैक्टर के रास्ते से हटना पड़ता है। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले महीने से राजधानी की सीमाओं पर हजारों किसान डेरा जमाए हुए हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों से विनियमित बाजारों के विघटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ उनको ये भी डर है कि सरकार गारंटी कृत कीमतों पर गेहूं और चावल खरीदना बंद कर देगी। वहीं आज सुबह किसानों ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए यूपी गेट पर सभी लेन बंद कर दिया, जिसके चलते दिल्ली से आवाजाही ठप हो गई। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के वार्ता के नए प्रस्ताव पर किसान संगठन शनिवार को फैसला ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले शुक्रवार को किसान संगठनों ने इस पर विचार किया था। वहीं केंद्र सरकार को उम्मीद है कि कुछ दिनों के दौरान किसानों के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान ने किसान बिल के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। भगवत मान का कहना है कि सरकार किसानों के सब्र की परीक्षा ले रही है। भगवत मान ने इस बिल के सहारे केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास जमकर निकाली। देखिए रिपोर्ट। संसद भवन के अंदर जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया है और किसान जो कृषि कानून है इस बिल को लेकर नारेबाजी की है। हमारे साथ खुद आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान मौजूद है। भगवंत मान, आज जिस तरीके से विरोध किया, लगता है कि सही है? बिल्कुल सही है जी, और कोई तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री मिलते नहीं है किसी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, रेडियो पर मन की बात करते हैं और टीवी पर बोलते हैं वन वे। किसानों को नहीं मिलते, किसानों को मिलने के लिए गुजरात जाते हैं, चुनिंदा अपने मनपसंद के किसान बिठाकर वीडियो का ड्रामा करते हैं, तो और कोई तरीका नहीं है, कहाँ मिले फिर उनको। आज सेंट्रल हॉल में आए थे तो हमने श्रद्धांजलि समारोह खराब नहीं किया, श्रद्धांजलि होने दी। उसके बाद जब किताब रिलीज कर रहे थे उसके बाद उन्होंने बोलना था, हमने नारे लगाने शुरू कर दिए तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बीच में छोड़कर वो चले गए। सुन तो लेते हैं, हम भी चुने हुए हैं, वो भी चुने हुए हैं, हम भी एमपी हैं, वो भी एमपी हैं वाराणसी से, तो सुन तो लेते कम से कम अपने कुलीग्स की। हम उनके कुलीग्स हैं, उसी संसद में बैठते हैं, तो बात भी नहीं सुनी जैसे हम कोई आंदोलनकारी हों। तो हम शांतिपूर्वक अपना नारे लगा रहे थे कि किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, वो अन्नदाता है, वो आतंकवादी नहीं है और अन्नदाता मर रहा है। यही सेंट्रल हॉल जहाँ पर आज हम विरोध कर रहे थे, इसको रात को 12 बजे खुलवा के GST लागू किया था, तो आज नहीं स्पेशल ज्वाइंट सेशन बुला के इन कानूनों को रद्द किया जा सकता। नीयत साफ नहीं है, पूंजीपतियों के हाथों किसानों को बेच रहे हैं। इसलिए जो संगरूर बरनाला के लोगों ने मुझे चुना है, सबसे ज़्यादा पंजाब में धान और गेहूं की
जो पैदावार है वो संगरूर में होती है, तो किसानों ने मुझे चुना हुआ है, तो किसान आज संकट में है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाऊँ। आज सरकार के बिल्कुल कानों के पास और सरकार की बिल्कुल आँखों के पास हमने अपना प्रदर्शन किया, इससे नज़दीक और नहीं जा सकते हम। क्या कोई रिएक्शन दिया उन्होंने उसके बाद? सुन तो रही थे, रिएक्शन तो वही है अनसुनी करना, सुन तो रही थे। छोटा सा तो फंक्शन था, कोई बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, तो बिल्कुल पास से गुजरे हैं। मैं तो उनको आवाज़ें भी लगाता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी अन्नदाता ठंड से मर रहा है, आप कितनी लाशें गिनोगे, कृपया इस कानून को वापस ले लो, वो आतंकवादी नहीं है, पूरे देश का पेट पालता है। लेकिन अनसुनी करके निकल गए, लेकिन सुन तो गई ना बात। हमारा मकसद जो था उनके सामने प्रदर्शन करने का कि आप प्लीज़ नागरिकों की बात सुनिए, लाखों नागरिक देश के और जो पेट पालते हैं, अन्नदाता हैं, जो पक्षियों के लिए भी फसलों के दाने छोड़ देते हैं अपने खेत में कि इनका रिज़्क भी मैं दूंगा, तो उनको उनके लिए आप देशद्रोही ये वो ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हो, ये गलत है। आप पोस्टर भी दिखाया आपने, पोस्टर कैसे लेके गए वहाँ तक? जैकेट के नीचे डाल के लेके गए थे और श्रद्धांजलि समारोह के बाद हमने निकाल लिए वो, और मीडिया भी था वहाँ पे, चुनिंदा पत्रकार थे बड़े अखबारों के और चैनलों के, तो हमने तो अपना प्रदर्शन करना था, हमने किया। और क्योंकि संसद तो चलाते नहीं है, कहाँ बोलें, फिर बोलने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म दिखाओ कहाँ बोलें, जहाँ बोल रहे हैं वो वहाँ नहीं सुनते, संसद चल नहीं रही, एक दिन का सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं हम, कहते जी कोरोना। मुझे ये बता दीजिए, पश्चिम बंगाल में, बंगाल में अमित शाह जी पूरी फौज लेके मंत्रियों की रैलियां कर रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ हो रही है, वहां कोरोना साइलेंट। खेती कानून वापस करने के लिए एक दिन का सत्र बुलाना हो तो कोरोना वायलेंट, ये कैसा हो सकता है? अभी कोरोना भी इनके हिसाब से चलता है, तो जो यस और नो करके जबरदस्ती से कानून पास किए थे, किसान यही चाहते हैं यस और नो, कानून वापस लोगे यस कर दो, अगर नो करनी है नो कर दो, अगर नो की तो ये आंदोलन जारी रहेगा, और आंदोलन गैर राजनीतिक है, कोई उनको भ्रमित नहीं कर रहा, कोई वहाँ जा नहीं रहा, नेता तो वो किसी पार्टी के MLA या MP को तो वहाँ बोलने का उन्होंने कह रखा है कि नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है, जहाँ हमें बोलना चाहिए। आज वाला मंच था, कांग्रेस कहाँ थी आज? आज थे कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी, वो भी नारे लगाते हैं हमारे साथ, वो तो प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं, बाहर विरोध कर रहे हैं, कल राष्ट्रपति को मिल रहे हैं, कुछ उनके धरने पर बैठे हैं, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। आज अच्छा मौका था, वो भी साथ देते तो और भी मजबूती से आवाज़ उठ सकती थी, चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते रहेंगे। आपने किसानों की बात करी, आपने राजनीतिक पार्टियों की बात करी, लेकिन लगातार जिस तरीके से जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों को संबोधित किया, उसमें कहा है कि दूसरे राज्यों के जो लोग हैं वहाँ जो किसान बैठे हैं उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो समझते हैं किसान बहुत भोला भाला है। अरे नहीं यार, बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं किसानों के, नौकरियाँ तो आपने दी नहीं, वो डिग्रियाँ लेके फिर घर वापस जाके खेती ही कर रहे हैं, तो ये नहीं मत समझो कि किसान को कोई भ्रमित कर रहा है, भ्रमित है तो सरकार है, पूंजीपतियों के हाथों भ्रमित है, किसान भ्रमित नहीं है, किसान समझदार है, उसको सब पता है, उनके यूनियन के जो नेता हैं 40-40, 35-35 साल का उनके पास तजर्बा है संघर्ष करने का, उनको ऐसा मत समझो कि कोई भी कुछ कह देगा, तो इसलिए एक तरफ तो कह रहे हैं हमने विपक्ष मुक्त भारत कर दिया, एक तरफ कह रहे हैं विपक्ष इनको भरमा रहा है, अरे नहीं, ये जितने इन्होंने नाप शनाप बोला है, हमने तो उसमें भी लीगली हम पैनल एक बना के वकीलों की टीम भी जथेबंदियों को देंगे कि अगर आपने डेफामेशन के केस करने हैं तो करो, क्योंकि इनको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। अच्छा, आज जिस तरीके से आपने नारेबाजी की, आपके पास पहले भी एक कार्रवाई हो चुकी है, आपने वीडियो बनाई थी, लगता है कि अब कोई अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं MP बाद में हूँ, मैं कलाकार भी बाद में हूँ, पहले किसान हूँ, जब पैदा हुए थे तो आइशर ट्रैक्टर तवियाँ हल सुहागे मिले थे विरसे में, ट्यूबवेल के 40 फुट गहरे गड्ढों में से निकल के आए हैं, ना ऊंचाई से डर लगता है ना गहराई से, तो कोई भी कार्रवाई कर लें, हम मेरा फर्ज आवाज़ उठाना था, अब संसद चल नहीं रही, अब क्या करें, ऐसे फंक्शनों में प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे, आने वाले दिनों में अगर कोई और भी फंक्शन होंगे तो जाएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगातार सरकार चाहती है किसानों से बातचीत करना, 2 बार चिट्ठी भी निकाल दी गई है, क्या लगता है कि हल कैसे होगा? 6 बार 7 बार तो बातचीत हो चुकी, 7-7 घंटे बातचीत हो चुकी, वो चिट्ठी बिना किसी तारीख, बिना किसी एजेंडे की, मतलब जैसे चैलेंज नहीं करते कि तारीख भी आपकी, जगह भी आपकी, रख लो कहाँ रखना है, टाइम भी आपका, हद है,
आप कोई एजेंडा तो दो, किस टॉपिक पे बात करनी है। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें बताओ कानून वापस ले रहे हो या नहीं, अदरवाइज नहीं बात करेंगे। यस और नो कह रहे हैं वो, तो ये इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ निकाल रहे हैं। नीयत साफ हो तो प्रधानमंत्री मन की बात में कुछ और बात कह रहे हैं, और उनके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं बातचीत करेंगे, वो कह रहे हैं कानून बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब आप मानते हो कि किसानों की और सरकार की हैम की बात हो गई है, क्योंकि लगातार किसान कह रहे हैं कि ये जो बिल वापस है यस या नो, सरकार कह रही है बदलाव। तो बदलाव का मतलब कमियां तो मान रहे हैं, एक तरफ तो बदलाव की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं बहुत अच्छे कानून है। पहले अपनी झूठ बोलने की फाइन ट्यूनिंग तो कर लो कि एक ही झूठ बोला जाए, कोई कुछ बोल देता है कोई कुछ बोल देता है। तो जुमलेबाज सरकार है, पहले भी जुमले सुनाते रहे हैं, ये भी जुमले है। सरकार बनी थी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर, लेकिन चल रही है हम दो हमारे दो, अमित शाह मोदी अंबानी अडानी। तो बिल्कुल, ये थे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान, जिनका साफ कहना है कि ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की शिकायत अब दिल्ली पुलिस में पहुंच गई है। करोलबाग के नज़दीक लगने वाले देशबंधु गुप्ता रोड थाने में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पुलिस थाने पहुंची है। आप विधायक और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने देशबंधु गुप्ता रोड पुलिस थाने में बीजेपी नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आदेश गुप्ता, बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया, रवि तंवर, विकास तंवर सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ जल बोर्ड मुख्यालय में जबरन घुसकर तोड़फोड़ करने, उपद्रव मचाने, मारपीट, सरकारी कामकाज में बाधा डालने, जानलेवा हमला, धमकी देने, हत्या के प्रयास सहित भारतीय दंड संहिता की 15 धाराओं में कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं के खिलाफ सेक्शन 188 के तहत मामला दर्ज किया है। राघव चड्ढा ने पुलिस को 10 पेज की शिकायत दी है। इसमें आरोप है कि बीजेपी नेता 200 से 250 लोगों की भीड़ के साथ गैर कानूनी तरीके से जल बोर्ड के मुख्यालय का गेट तोड़कर दफ्तर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने जल बोर्ड के सुरक्षा गार्डों से मारपीट भी की। रिसेप्शन एरिया से लेकर उपाध्यक्ष कार्यालय तक के तमाम दरवाजे, खिड़कियां, शीशे, गमले इत्यादि को तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दिया। इससे जल बोर्ड की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जल बोर्ड की महिला कर्मचारी ने घटना वाले दिन बाकायदा दोपहर 1 बजे के करीब पुलिस PCR को कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी है। खौफ के कारण उस समय महिला और अन्य कर्मचारियों ने खुद को जल बोर्ड के अध्यक्ष के दफ्तर में बंद कर लिया था और गेट के पास सोफा लगा दिया था ताकि कोई अंदर आ न सके। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि कृषि कानूनों के मामले पर किसानों का समर्थन करने के कारण उन पर ये हमला किया गया है। अब आपकी शिकायत के बाद ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। साल 2020 में जहां देशवासी कोरोना संकट के बीच जूझते रहे, तो वहीं साल 2020 में दिल्ली में भूकंप के झटके भी लगातार दिल्ली वासियों को डराने का काम करते रहे, लेकिन ये रफ्तार 2021 में भी थमने वाली नहीं है। IIT की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2020 की ही तरह 2021 में भी भूकंप के झटके दिल्ली वासियों को डराने का काम करते रहेंगे। पेश है रिपोर्ट। नए साल की शुरुआत होने में चंद दिन बाकी हैं। साल 2020 पूरी दुनिया के लिए खराब साबित हुआ, वहीं अब लोगों को 2021 का खासा इंतजार है। लेकिन बीते साल के हल्के फुल्के झटके और अनुभव आने वाले साल में नए मुसीबत के संकेत दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2020 के संकेत 2021 के लिए चेतावनी साबित हो सकते हैं। दिल्ली की सर्दी से पहले यहां के प्रदूषण की चर्चा थी। गैस चैम्बर के रूप में बदनाम सिटी में भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। दिल्ली NCR में अभी तक 51 भूकंप के झटके महसूस किए गए। कम तीव्रता के कुदरती हलचलों ने कई बार भविष्य की संभावित अनहोनी की चर्चा को जन्म दिया।
भूकंप के इन झटकों को एक्सपर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से देख रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये झटके आने वाले बड़ी मुसीबत की संभावना पैदा करते हैं। आईआईटी के सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो कम तीव्रता के लगातार झटके किसी बड़े भूकंप का संकेत है। 2 सालों में दिल्ली NCR ने रिएक्टर स्केल पर 4 से 5 तीव्रता वाले करीब 64 झटके महसूस किए। इससे पता चलता है कि क्षेत्र में स्ट्रेन एनर्जी बढ़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में भूकंप का लंबा इतिहास रहा है। दिल्ली NCR में लगातार भूकंप के झटके महसूस भी किए जा रहे हैं। हालांकि इनकी तीव्रता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये झटके किसी बड़े भूकंप का कारण बन सकते हैं। राजधानी दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है। इसे साफ जाहिर है कि यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना हुआ है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने 2014 में एक रिसर्च की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि दिल्ली का लगभग 30% हिस्सा जोन 5 में है, जो इस प्राकृतिक आपदा के हिसाब से बेहद संवेदनशील है। इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों के लिए साल 2021 भी कुछ कठिन रहने वाला है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार थाने की पुलिस ने हत्या की साजिश रच रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। देखिए क्या था पूरा मामला और किस आधार पर पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया है। साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार थाना पुलिस ने हत्या की साजिश रच रहे 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। खुद को घिरा देख इन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायरिंग भी कर दी थी। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी कट्टे, 16 जिंदा कारतूस और खाली कारतूस बरामद किए हैं। DCP साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंगित प्रताप सिंह ने आरोपियों के नाम बताए हैं, जिनके नाम कमल, किशोर, राहुल और अजय हैं। एब्सेंट BC है हमारा, एब्सेंट बैड कैरेक्टर, जिसका नाम किशोर है, और उसको कल रात एक संगीन अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया उसके 3 साथियों के साथ में। ये घटना जो है, इसका जो ओरिजिन है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो अक्टूबर में था, जब एक घटना सामने आई थी कुसुमपुर पहाड़ी में, जहाँ पे PCR कॉल हुई थी कि हथियार लहराया गया है। उसमें एक आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज किया गया था। उस केस में किशोर नाम का ये जो BC था और इसका एक साथी था कमल, जो कि फरार थे, और उस केस में 2 गिरफ्तारियाँ हुई थी अरुण और गोलू नाम के लड़कों की। उनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट किशोर का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी था और वो BC भी था। उस दिन से ये भागा हुआ है, तो उस दिन से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए थे कि इसको ट्रेस किया जाए, क्योंकि ये कुख्यात अपराधी है और BC भी है, जिसके ऊपर पहले से ही 4 से 5 मुकदमे हैं, रॉबरी के, आर्म्स एक्ट के और मर्डर के। तो कल हमको सीक्रेट टिप मिला हमारे एक मुखबिर खास से कि ये कुसुमपुर पहाड़ी में आके इनका एक साथी है पुराना, जो जिसको ये अपना क्रिमिनल राइवल बोलते हैं, जिसका नाम है किशन एलियास चपटी, उसकी हत्या करने के प्लान के मकसद से कुसुमपुर पहाड़ी में ऊपर फॉरेस्ट एरिया में आके बैठेंगे और वहां प्लानिंग करेंगे। 23 दिसंबर को इन आरोपियों के बारे में जानकारी मिली थी कि वे कुसुमपुरा पहाड़ी जंगल एरिया की दीवार के पास जेल से पैरोल पर छूटकर आए किशन को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये पता चलते ही वसंत विहार थाना अध्यक्ष रविशंकर की टीम ने मौके पर दबिश डाली, जहां पुलिस को देख चारों अलग अलग दिशा में भागने लगे। इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी थी, जिससे एक पुलिसकर्मी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसके बावजूद, उसको चोट आई थी, उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और किशोर और कमल को पकड़ लिया। इनको पकड़ने के बाद में हमारी पूरी कानूनी प्रक्रिया चल गई और हमने मुकदमा दर्ज कर दिया अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ, असॉल्ट टू ए पब्लिक सर्वेंट, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, आर्म्स एक्ट का, और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और इनके जो 2 साथी थे जो वहाँ पे प्लानिंग में इनका साथ दे रहे थे, जिनका नाम राहुल और अजय है, वो वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो गए थे। हमारी टीम ने उनको चेज किया, वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए और उनको थोड़ी दूर जाके पकड़ लिया गया, तो उनको भी ला करके उन पर अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन कर रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए दिल्ली से राकेश सोनी की रिपोर्ट। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।